सो हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस चनी फॉरएवर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कॉफी फॉर स्किन व्हाइटनिंग, क्योंकि काफी सारी लड़कियों ने मुझे डीएम करके और मैसेज करके ये बहुत बार पूछा है कि स्किन व्हाइटनिंग के लिए कुछ क्विक और इजी रेमेडी बताइए जो हम आसानी से कर सके और बिल्कुल फटाफट उसका रिजल्ट भी मिले। तो आज की वीडियो में मैं जो आपको रेमेडी बताने वाली हूँ उसमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट यूज होने वाले हैं एंड ये आपको इंस्टेंटली स्किन व्हाइटनिंग इफेक्ट देगा एंड आपको फर्स्ट यूज में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट आपके किचन के अंदर अवेलेबल ही होंगे आई एम श्योर, तो फटाफट से आप ये रेमेडी ट्राई भी कर पाओगे बहुत इजीली। कहीं बाहर भी आपको इंग्रेडिएंट लेने की जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सारी चीजें तो आपके किचन में ही अवेलेबल होगी। जो हमारी स्किन डल हो जाती है उसकी कई सारे रीजंस होते हैं, पॉल्यूशन की वजह से, रफ स्किन की लेयर की वजह से, या फिर सन डैमेज की वजह से, सन के जो यूवी रेज होते हैं वो काफी ज्यादा टैनिंग क्रिएट कर देते हैं। इन सारी चीजों की वजह से आपका फेस डल लगने लगता है जबकि अंदर से तो वो वही उसका नेचुरल कलर होता है। आपके फेस पे जितनी भी टैनिंग है, डलनेस है और रफ स्किन है उसको हटाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने फेस को एक्सफोलिएट करो और साथ ही साथ उसको अच्छा वाला मॉइस्चराइज भी दो। तो ये दोनों ही चीजें आज की रेमेडी में आपको एक साथ मिलने वाली है क्योंकि एक इंग्रेडिएंट आपको स्क्रबिंग वाला एक्सफोलिएट वाला इफेक्ट देगा और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और हाइड्रेट बना देगा। तो जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो कि है कॉफी। कॉफी बहुत अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, बिल्कुल जेंटली स्क्रबिंग कर देती है आपकी स्किन की, जिसकी वजह से जितनी भी रफ स्किन होती है, जिसकी वजह से आपका फेस बहुत ही ज्यादा डल लगने लगता है उसको ये बहुत अच्छे से रिमूव कर देती है, टैनिंग को भी हटाती है और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनाती है, एजिंग साइंस को भी कम करती है, रिंकल्स को भी अच्छा करती है एंड फेस को टाइट बनाकर आपकी स्किन को यंगर लुकिंग यूथफुल वाला लुक भी देती है। और कॉफी जो होती है उसकी खास बात ये है कि ये सभी स्किन टाइप वालों को सूट करती है। आपकी स्किन चाहे ऑयली हो, चाहे ड्राई हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे कॉम्बिनेशन स्किन हो, चाहे एक्नी प्रोन स्किन हो, एक्नी को भी ये ठीक करती है, मतलब कि कोई भी टाइप की आपकी स्किन हो हर कोई ये कॉफी को यूज कर सकता है क्योंकि ये सभी को सूटेबल होता है एंड सेंसिटिव स्किन वालों को भी ये ज्यादातर सूटेबल ही होता है। तो आपकी स्किन टाइप कोई भी हो आप ये इंग्रेडिएंट आराम से यूज कर सकते हो। जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले है वो है मिल्क, रो मिल्क यानी कि कच्चा दूध। इसके अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है, ये भी जेंटली स्किन को एक्सफोलिएट करता है, टैनिंग और डल स्किन को रिमूव करता है एंड बहुत ही डीप लेयर तक जाकर स्किन को मॉइस्चराइज देता है जिसकी वजह से आपकी स्किन काफी प्लम्पी और सॉफ्ट लगने लगती है एंड इतना ज्यादा ग्लो भी ये लेकर आता है। तो ये दो मैजिकल इंग्रेडिएंट हम आज यूज करने वाले हैं जो आसानी से आपको अपने किचन में मिल जाएंगे। बस आप कॉफी के 2 चम्मच लीजिए एंड उसके अंदर हाफ चम्मच आधी चम्मच जितना मिल्क ऐड कर दीजिए। बहुत ज्यादा मिल्क ऐड नहीं करना है, बस उसका थोड़ा सा पेस्ट जैसा बन जाए उतनी ही क्वांटिटी का मिल्क इसके अंदर ऐड कीजिए। बिल्कुल लिक्विडी इसको नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा पेस्ट जैसा बन जाए उतनी हाफ चम्मच जितनी आप इसके अंदर ऐड कीजिए एंड इससे अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्क्रब कीजिए एंड फिर नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। 5-10 मिनट तक स्क्रब करने के बाद सर्क्यूलर मोशन में स्क्रब कर लीजिएगा एंड फिर जब आप फेस वॉश करोगे तो आपको काफी अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट यूज में ही आपके स्किन टोन काफी ज्यादा लाइट हो जाएगा, काफी ब्राइटनेस आपके फेस पे आ जाएगी। ये रेमेडी आप वीक में 2 बार ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आपको ये कॉफी स्किन व्हाइटनिंग फेस पैक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही हेल्पफुल और यूजफुल वीडियो आप आगे भी देख पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, अपने बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू सून।